रिकॉर्डिंग स्टार्ट। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के सामने हमारे जो इस सेशन के एक्सपर्ट है उनको इंट्रोड्यूस करते हुए। मैडम सुषमना राव, वो हमें H5P जो कि इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने का एक सॉफ्टवेयर है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल भी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन भी होने वाला है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग बहुत केयरफुली सुने इसको, क्योंकि क्वेश्चंस में फिर से हम वही चीजें पूछते हैं जो ऑलरेडी सेशंस में बताई गई हैं। और मैम बहुत पेस में आराम से आपको बताएंगी, क्योंकि मैंने मैम का सेशन अटेंड किया है इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे पा रही हूँ। बहुत सॉफ्टली और बहुत स्लो पेस में मैम आपको करवाएंगी। आप साथ साथ पहले केयरफुली सुनिएगा और फिर करना शुरू करिएगा। एक बार कोई प्रॉब्लम आए आप उसे खुद भी सॉल्व करिए, अगर वो तब भी रिजॉल्व ना हो तब आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगर आपको बहुत लग रहा है कि आपको बोलना है तो आप हैंड रेज करेंगे, प्लीज कोई खुद से अनम्यूट नहीं करेगा, उससे पूरा सेशन डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी सेशन के बीच में टिल 5 PM एनी टाइम हम लोग अटेंडेंस भी पोस्ट करेंगे। मैं टाइम नहीं बता रही हूँ, चैट बॉक्स में ही आपको देखना होगा उसको, सो दैट आप अटेंडेंस कौन कितने लोग एक्चुअली प्रेजेंट है वही मार्क कर पाएंगे। एंड डोंट शेयर इट ऑन व्हाट्सएप द लिंक ऑफ अटेंडेंस। सो एक्सक्यूज मी मैम, नाउ वन रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब। ये जो आप चैट बॉक्स में एकदम लिंक डाल देते हैं ना अटेंडेंस का, मैम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन द सेशन और ऑन द चैट बॉक्स। एक बार बताइएगा मैम कि सेम चैट में डाला सेम है, फिर हियर टाइम मैम, दीजिएगा चैट थोड़ा। आप बता दीजिए या तो सेशन में कि हमने डाला है, दिस बिकॉज़ इज वी आर बिजी इन हाँ लिसनिंग द नहीं, सेशन मैं अनाउंस एंड एक देन वी बार आर कर, डिस्टर्बिंग फॉर दैट ओके अटेंडेंस। मैम मैं एक बार अनाउंस जरूर करती हूँ और वो मैं कर दूंगी, पर बार बार वो चीज इसीलिए हम नहीं बोलते, सिर्फ पोस्ट करते रहते हैं किसी का छूट जाए उसके लिए कि वो यूज कर ले। तो नहीं, वो कई हाँ बार मैम इतनी चैट्स आते हैं कि वो ढूंढना पड़ता है फिर इतने में। इसीलिए हम बार बार पोस्ट करते हैं सो दैट अगर आपका मिस हो गया तो आप मार्क कर ले। एक बार मैं अनाउंस कर दूंगी बीच में, बार बार ओके ना तो अनाउंस करेंगे ना ही कुछ, क्योंकि हमें पता है आप सब लोग सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर वेरी गुड इन दैट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट थैंक आप यू, लोग बस थैंक। मेक श्योर करिएगा खुद से अनम्यूट नहीं करना है, आपने हैंड ही रेस करना है। हम लोग वी विल ट्राई टू टेक ऑल द क्वेश्चन। ओके सो नाउ मैम, वी सिंस वी हैव 10 स्टेट्स फ्रॉम द कंप्लीट हिंदी स्पीकिंग बेल्ट एक्चुअली, सो एज मच एज हिंदी विल बी गुड फॉर देम एंड द पेस, ऑफकोर्स योर पेस इज ऑलरेडी वेरी गुड एंड अंडरस्टैंडिंग, बट एज विद द सॉफ्टवेयर इट शुड बी अ लिटिल स्लो। सो मैं एक बार जस्ट ठीक है, टेलिंग यू अबाउट दैट। नो थैंक वेलकम टू सी यू, आई टी वंस अगैन फॉर गाइडिंग अस, फॉर मेकिंग अस लर्न बेटर। द थैंक सेशन यू, इज ऑल योर्स मैम। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू सो मच सीआईटी अगेन गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू मीट आवर टीचर्स इन हु आर इन लाइन टू प्रिपेयर आवर फ्यूचर लीडर्स एंड फ्यूचर साइंटिस्ट, फ्यूचर टीचर्स, इजंट इट। सो इतने ऐसा लगता है मुझे कि जिन लोगों से बात करते हुए मेरा मकसद ही यही था, एजुकेटर्स को और एनहेंस करना है उसका कैपेबिलिटी। ऑलरेडी बीइंग एन एजुकेटर इज अ ह्यूज व्हाट आई से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ वेरियस थिंग्स, बट ओनली थिंग इज उसका ज्यादा टाइम नहीं हो पाता है। तो मेरा मेरा ऑलवेज माई मोटिव इज टू ऐसा है कि टीचर को टेक्नोलॉजी से देखते भागना नहीं, बस उसको इतना नजदीक जाना है और टेक्नोलॉजी टीचर को टेक्नोलॉजी को यूज करना है, टेक्नोलॉजी कभी टीचर को ड्राइव नहीं करना है, टीचर टेक्नोलॉजी को ड्राइव करना है, यही मोटो है मेरा। इसके साथ आज की सेशन शुरू करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। इफ यू हैव एनी डाउट, एज मैम ने बता दिया कि आप हैंड रेज कीजिए। आई होप मोनिका मैम यू विल बी देयर ऑलवेज टू सपोर्ट द क्वेश्चंस, राइट? Yes, ma'am, I am here only. या Even though my video is off, but I'll be still here. If I am not here, Doctor, sorry, Miss Nidhi Adlakha is here to support ओके, us for this session. So थैंक any यू of मैम, us will intervene. Don't worry, ma'am. या थैंक यू मैम। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। कभी मैं जब बात कर रही हूँ कहीं आपको अगर स्क्रीन नहीं दिखा रहा है वैसा है तो आप चैट में बोल दीजिए, या नहीं तो अनम्यूट करके इमीडिएटली बस खाली इसके बारे में कि नहीं दिख रहा है उसके बारे में बोल दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है सेशंस में। चलिए
Today's talk is on creating interactivities and I have seen आप सब लोग ने मुझे जो फॉर्म भेजा है उसका अच्छा से भर दिया और उसे पता चला कि बहुत सारे लोग H5P के बारे में बहुत सुने हुए हैं और प्रैक्टिस भी किए हुए हैं. तो H5P के बारे में बात करने के पहले ही हम थोड़ा इंटरैक्टिविटी के बारे में बात करेंगे. ये इंटरैक्टिविटी होता क्या है, एक्चुअली इंटरैक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है. आप लोग slido.com जा सकते हैं आपके मोबाइल से या आपकी दूसरे ब्राउजर में जाइए, दूसरे टैब में जाइए ब्राउजर में slido.com. वहां जाके आप ये नंबर दे दीजिए 947642. तो उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज इंटरैक्टिविटी. तो बस आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दैट क्वेश्चन. Somebody raised hand. Anjula Sharma. Code 947642. Once again, I'll tell you. Very good. Okay, learner engagement. Okay, two-way communication, two-way response. Very good. Exchange of opinions or to connect. Okay, communication. Process, work together. Okay. Easy to learn. Okay. In what context? Maybe easy to learn is maybe when we communicate. This communication is the key term here, isn't it? Whenever we say interactivity, communication is the key term. This interaction could be not only between the teacher and the participant or the student, right? Or teacher or chhatron ke beech mein hi nahi hota hai communication. Jyadatar communication content aur chhatron ke beech mein bhi ho sakta hai. Aajkal pandemic ke dauran to bahut ye ho raha hai ki student akela learn kar raha hai, akela kabhi kabhi wo content se जुड़ना पड़ता है. तो वो इंटरैक्शन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जब ये हो रहा है कि कंटेंट कैसे बिहेव करना है, ये कंटेंट जो होता है वो कैसे बिहेव करना है, कभी स्टूडेंट एक्सेस कर रहे हैं तो वो कैसे बिहेव करना है, हाउ दिस कंटेंट शुड बी डिजाइंड, हाउ हाउ टू कैप्चर that moment of the learner. और कभी learner को कभी student को कभी doubt आया है या कभी कुछ आपने content में question दिया हुआ है उसका जवाब आपने बोल दिया लेकिन उसके बारे में और explanation कुछ चाहिए होगा student को या कभी कभी उसको और doubts होंगे. कभी कभी लगता है उसको अगर मेरे teacher से मैं एक question पूछ सकती हूँ या तो वैसा वाला इंटरैक्शन हो तो कितना अच्छा होता है. दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद द कंटेंट विद द टीचर एंड अमॉन्ग देमसेल्व्स इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी थिंक अबाउट इंटरैक्टिविटी. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रियलाइज द मोमेंट वी से इंटरैक्शन दैट कुड बी बिटवीन
the content and the student, or between the teacher and the student, or between content, student and teacher, various probability here, right? Or simply among themselves, students. It ye bhi ho sakta hai kabhi kabhi, depending upon the platform we use, the tool we use. Ultimately, communication is the key term here, right? So whenever we say the interaction, yahan chat mein bhi diya hua hai, putting your ideas into someone's mind, getting ideas from someone's mind. Okay. Interaction between two minds about any activity, exchange of ideas. Okay. Jitna hum narrow ja sakte hain, utna achha ye humko bata deta hai. उसका डेफिनेशन के बारे में. लेकिन जब ये सोचते हैं, ये बुक मैंने बहुत पुरानी वाला है, वो कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है इंटरेक्शन के बारे में बात करते हुए. द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट इंटरेक्शन विल प्ले अ मेजर रोल दैट विल टेल अस हाउ इफेक्टिवली हाउ क्वालिटी व्हाट काइंड ऑफ अ क्वालिटी टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट दैट वी आर इन. As I said, the interaction could be not only just between two people. It could be between teacher, content and the student, or only student and the content, right? So when that is happening, that communication is happening, when that interaction is happening, how well that is designed, that matters. That defines how well designed our teaching learning environment is. The learning experience for the user, that is for the student, and a teaching learning environment for the teacher. How well they will be able to connect with the student, how well they will be able to provide that information through these interactions to their students. It is very, very important. It's not just interaction, could be anything. Sometimes like we find some videos, isn't it? When we play a video, there will be a seek bar, play button, pause, rewind. Sometimes we have fast forward button also. Sometimes we have very limited interaction over there where we can just play or pause. We cannot move forward. We cannot end that video, right? So these are also called interactions. Any computer-based transaction is interaction. Interaction means not just any drag and drop or any a quiz kind of a test. Anything, it could be that you are communicating with the content. Computer-based transaction is interactivity. But then how successful it is, whatever you designed as a teacher or as an educator or as a content developer, right? How successful that interaction is depends upon, according to this quote, like how when you implement in an online context, especially how effectively the learner will be able to communicate or continue that communications. So that determines how effective and efficient is your teaching learning environment. I hope you all agree with this quote, isn't it? Excuse me, ma'am. Yes, yes. Sorry to interrupt you. Yes, actually, ma'am. One of the participants is requesting you to be bilingual. Haan ji. Haan, theek hai. Theek hai. Aur jyada English ho raha hai. Theek hai. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. To ye mujhe lag raha hai ki jab hum aisa communicate kar rahe hain, jaisa interaction build kar rahe hain. Interaction maane khali play, pause, rewind, वो भी हो सकता है कभी कभी. खाली ये क्विजिंग या ड्रैग एंड ड्रॉप या कोई इंटरैक्टिव वीडियो ही इंटरैक्टिविटी नहीं है. इंटरैक्टिविटी कुड बी एनीथिंग. वो जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रांजैक्शन जो होता है, कंप्यूटर के साथ हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट में, ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट में, वो भी इंटरैक्शन बोला जा सकता है. लेकिन कितना सक्सेसफुल है वो इंटरैक्शन जो आपने डेवलप किया, वो कब लगता है सक्सेसफुल, की वो स्टूडेंट को कितना आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और स्टूडेंट जैसा फील कर रहा है कि मुझे
कंटेंट या टीचर के साथ में पढ़ रहा हूँ, वो इंटरेक्शन ऐसा लग रहा है उसको किसी ने उसको बोल रहा है इसके बारे में, कभी आप फीडबैक देते हैं तो उसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहे हैं, ये भी बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन ये जो इंटरैक्टिविटीज जो है अलग लेवल्स में होते हैं, जैसे कि मैंने बोला अभी अभी कभी कभी हम वीडियोस देते हैं स्टूडेंट्स को, वो वीडियो ऐसा लगता है कभी खाली प्ले और पॉज उसमें रहता है, फास्ट फॉरवर्ड या रिवाइंड नहीं कर पा सकते हैं, वो भी एक इंटरैक्टिविटी ही है। और कभी कभी सब इंटरैक्शन हो सकता है वीडियो के साथ, टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल कर सकते हैं, आगे नीचे पीछे जा सकते हैं, हाँ, नहीं तो एक इमेज देते हैं, वो इमेज के बारे में कुछ हम टेक्स्ट देते हैं, और कभी कभी एक्सटर्नल लिंक देते हैं हम, यानी कि वो जहां वो क्लिक करेगा वो उसको लेके जाएगा स्टूडेंट को कोई और वेबसाइट में, कोई और स्ट्रीमिंग सर्वर में, जैसे कि विमियो हो या यूट्यूब हो या पैनोप्टो हो, वहां पे लेके जाएगा उसको, उसके बारे में और जानकारी देता है। लेकिन वहां से फिर बाहर फिर पीछे आना है स्टूडेंट को, तो पहले जो ओपन किया है वही जाना है, लेकिन वहां से लिंक बैकवर्ड नहीं होता है। तो ये जो हम बोलते हैं कि नो इंटरैक्शन है, वो जीरो लेवल इंटरैक्टिविटी लेवल बोलते हैं, एक्चुअली वो भी एक इंटरैक्शन है लेकिन लेवल जो है वो जीरो है। और लेवल वन में जो होता है लिमिटेड इंटरैक्शन होता है, जहां हम हॉटस्पॉट देख सकते हैं, हॉटस्पॉट यानी टेक्निकल टर्म हॉटस्पॉट है, जैसे कि कभी कभी हम उसको क्लिक करेंगे तो कुछ पॉपअप आएगा, कुछ इमेज आएगा, कुछ टेक्स्ट आएगा, टेबल आएगा या कोई एक्सटर्नल लिंक आएगा, छोटा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम, और वीडियो भी डाल सकते हैं जहां वो लोग क्लिक कर सकते हैं, वो क्लिकेबल्स बोलते हैं रेगुलर टर्म्स में, वो जो हॉटस्पॉट को जहां वो लोग क्लिक करते हैं वहां वही के वही एक एनिमेशन प्ले होगा, नहीं तो वीडियो प्ले होगा, ऑडियो प्ले होगा, सो मल्टीमीडिया हो सकता है। तो ये वाला लेवल वन इंटरैक्शन है, वो है लिमिटेड इंटरैक्शन बोलते हैं। मॉडरेट इंटरैक्शन, दीज आर ऑल, ये जो इंटरैक्टिविटी लेवल्स जो हैं ये ब्रॉडली डिवाइडेड लेवल्स हैं, ऐसा नहीं है कि यही है लेवल्स, ये ब्रॉडली डिवाइडेड है, और डीप गए तो और डीप अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन हमको बेसिक्स मुझे सबको आपको दिखाना है कि क्या बेसिक लेवल क्या होता है। तो लेवल जीरो है ऐसा वाला, लेवल वन है लिमिटेड में होता है, लेवल थ्री आने तक थोड़ा एडवांस्ड होता है, जो हम शायद ये सेशन के बाद हम सब लोग लिमिटेड से लेके मॉडरेट इंटरैक्शन तक इंटरैक्टिविटीज बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो लेवल जीरो लेवल वन में जो है वो भी उसके साथ यहाँ पे और सिनेरियोस होता है, ये जो नया वर्ड है इधर सिमुलेशन, ये भी नया वर्ड है। सिनेरियो यानी कि कोई आप कुछ एक कथा देते हैं, स्टोरी देते हैं उनको, हाँ वो एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस दे सकते हैं आप, जैसे देखिए कि सिंपली ऐसा पूछ सकते हैं कि हम इसमें वर्ब्स क्या है पहचानिए, इससे इसके अलावा हम कुछ छोटा कहानी दे सकते हैं या छोटा सिनेरियो ऐसा एक क्रिएट कर सकते हैं, जहां ये एक स्टूडेंट आया है, यहाँ गया है, ये लेके आया है, और इसमें से वर्ब्स कौन सा है, यानी कि और हम ऐसा कर सकते हैं, अगर इन लोगों को ये पता चल गया जिसमें वर्ब्स को उसने फाइंड आउट कर दिया तो वो दूसरा सेक्शन में जा सकते हैं, वैसा वाला सिनेरियो भी हम बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ड्रैग एंड ड्रॉप्स क्रिएट कर सकते हैं, और सिमुलेशंस, सिंपल सिमुलेशन अगर कहीं हो तो उसको हम यहाँ अटैच भी कर सकते हैं। और जो ये नेक्स्ट लेवल जो है फोर्थ, दैट इज द लेवल 3-1, और यू कैन से इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 1 इट इज लेवल 4, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 0 दैट नो इंटरैक्शन, ये लेवल होता है 3। ये फुली इंटरैक्टिव बोलते हैं हम, जहाँ गैमिफिकेशन होता है, यानी कि
रियल टाइम सिमुलेशन हो सकता है और ये सिनेरियोस जो है वो ब्रांचिंग भी बना सकते हैं. सिनेरियो और ब्रांचिंग सिनेरियो, व्हाट इज द डिफरेंस? सिनेरियो यानी जैसे अभी हमने छोटा सा एक्सप्लेन किया है, ये ब्रांचिंग भी जो होता है जो अभी अभी हमने बोला और थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये जो आपने आंसर कर दिया. ओके, हम ऐसा पूछते हैं छात्रों से कि आपको वर्ब्स के बारे में पता है तो प्रपोजिशंस के बारे में जानना है या एडजेक्टिव्स के या टेंसेस के बारे में जानना है तो आप ये क्लिक कीजिए, अगर ये जानना है तो ये क्लिक कीजिए. अगर ये दोनों में से कोई भी चूज करना है आपको तो पहले ये क्वेश्चन को आंसर करना है. ऐसा वाला कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग सिनेरियोज भी बिल्ड कर सकते हैं और रियल टाइम एआर वीआर करके गैमिफिकेशन भी बना सकते हैं. यानी कि जैसे आजकल हम शॉपिंग कार्ट्स में देखते हैं जो हम अभी अभी परचेस किया हुआ है, ऐसे वाले एड्स भी हमको आते रहते हैं, है ना. ऐसा भी एजुकेशन में हो सकता है जिसको हम रिकमेंडेशन बोलते हैं, वो थोड़ा हाई एंड है तो वो पूरा लेवल 3 या लेवल 4, अगर 1 से शुरू किया है तो लेवल 4 और 0 से शुरू किया तो लेवल 3 में फुली इंटरैक्टिव बोलते हैं. वो थोड़ा पॉकेट हेवी भी है, यानी कि थोड़ा सॉफ्टवेयर भी ऐसे वाले होते हैं, थोड़ा खर्चा भी हो सकता है अगर ऐसे वाले प्लेटफॉर्म बनाना है तो. लेकिन मॉडरेट इंटरैक्शन के लिए डेफिनेटली बहुत सारे टूल्स है. उसमें जैसे हम इंटरैक्शन बनाते हैं, कोई भी इंटरैक्टिव कंटेंट बनाते हैं, वो टूल्स को टेक्निकली बोलते हैं हम ऑथरिंग टूल्स. कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो उनको ये वर्ड बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, उसको बोलते हैं हम. जैसे कि कोई हम बुक लिख रहे हैं तो उनको ऑथर कहते हैं ना, ऐसे वाला कंटेंट भी जो हम क्रिएट करते हैं इंटरैक्टिव कंटेंट, वो सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम ऑथरिंग टूल. जो बना रहे हैं उसको कंटेंट ऑथर्स बोलते हैं. ऐसे वाले टूल्स के एग्जाम्पल्स बोले तो बहुत सारे हैं. Adobe Captivate एक, और TextSmith Camtasia यानी कि Articulate Storyline एक है, और Xert करके और एक है, Course Lab करके एक है, और very popular among teachers is iSpring, और बहुत कुछ है. जैसे कि आप डायरेक्टली आपका जो PowerPoint में एड ऑन जैसा iSpring जैसा एड भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं. लेकिन ये अलग अलग जो ऑथरिंग टूल्स है, ये अलग सा जो ऑथरिंग टूल्स जहाँ पे हैं, उसके साथ हम डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स मटेरियल बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं. लेकिन पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए और हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, अल्टीमेटली हम किसको दे रहे हैं ये कंटेंट, तो वो कैसे एक्सेस करते हैं वो समझना चाहिए, और ये टूल्स का आउटपुट क्या होता है वो भी देखना चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है टूल बहुत अच्छा हो और आपका इंस्टीट्यूशन खरीद लिया भी हो, ये बहुत एक्सपेंसिव टूल्स हैं ये सब, और अच्छा खरीद लिया भी हो, लेकिन उसको लर्न करने में, उसको उसके लिए ट्रेनिंग में टाइम की जरूरत है, स्किल की जरूरत है, और उसके बाद कभी कभी ये भी हो सकता है, ये एक रियल टाइम थिंग आई वांट टू शेयर विद यू. जैसे कि एक बार ये स्टोरी लाइन में बहुत अच्छा सा इंटरैक्टिव वीडियो Camtasia में बना हुआ है, सॉरी नॉट स्टोरी लाइन, Camtasia में, TextSmith Camtasia में, लेकिन उसको जब पब्लिश करते समय उसका साइज जो हो गया है 1 GB हो गया है, कभी कभी 2 GB भी था. और ये तब की बात कर रही हूं मैं जहां हम इंफॉर्मेशन जैसे एक CD में देते थे. After the workshop, we used to give in a CD, all the material. लेकिन उसमें इतना information है, फिर भी हम CD में देते थे. लेकिन जब हम transfer हो गए online की तरफ, तब हम ये publish करते समय, वो institute का server जो है, उसका RAM उतना नहीं है कि जितना ये
ले जाएगा। ये 1 GB का बहुत सारा टाइम लगता था, हमको अपलोड करने में टाइम लगता था और लोगों को डाउनलोड करने में भी हाई बैंडविड्थ चाहिए था उसको भी। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वो दिक्कत को हम समझ के उसको जो चाहिए टेक्नोलॉजी वो लेके आ सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसका थोड़ा और खर्चा होगा, पॉकेट थोड़ा और हेवी हो जाएगा, या कभी कभी उतना स्किल नहीं रहता है, राइट? ये बहुत थिंक करना चाहिए। कभी भी जब भी हम एक टूल को हम लर्न कर रहे हैं, एक टूल को यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हमको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम आज जो टूल बहुत सारे लोगों को, जो आज हम ट्रेनिंग में हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे लोग यूज किए हुए हैं, फिर भी बेसिक से मैं बोलूंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो H5P के बारे में नहीं सुना है। आज हम जो ऑथरिंग टूल डिस्कस करने वाले हैं वो है H5P। ये होता क्या है, H5P क्या है, इसका क्या स्पेशलिटी है? इससे पहले बहुत सारे है, जैसे हमने स्टोरी लाइन है, कैप्टिवेट है, आई स्प्रिंग है, कैमटेशिया है, जर्ट है, कोर्स लैब है, और सारे बहुत सारे हैं, लेकिन H5P ही क्यों? एज अ कॉन्टेंट डेवलपर ये बोलना चाहिए आप लोगों को कि मैं 15 साल से पहले ही मैं ई लर्निंग में हूँ, मैं रिमोट काम कर रही हूँ शायद 2002 से। आजकल लास्ट पैंडेमिक के वजह से 3 साल से ये रिमोट वर्किंग बहुत पॉपुलर हो गया है, मैं तब से रिमोट वर्किंग कर रही हूँ और ई लर्निंग फील्ड में। और तब हम यूज करते थे ये बहुत सारे टूल्स डेवलपिंग के लिए, कंटेंट डेवलपिंग के लिए, लेकिन एज अ टेक्निकल पर्सन और एज अ लैंग्वेज लवर मैं ऑलवेज मैं ऐसे देखती थी कि ऐसा टूल होना चाहिए एकेडमिशियन को जल्द ही जल्द समझ में आना चाहिए और इजी होना चाहिए और इतना खर्चा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वाले टूल्स बहुत है, वन एक्सर्ट मैंने यूज किया है पहले भी, और ऐसा कोर्स लैब भी एक वर्जन फ्री भी है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं कि फ्री होते हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो इसलिए एज अ टेक्नोलॉजिस्ट मैं बहुत देखती थी कि कोई ओपन सोर्स चीज है क्या। मैं पहले बता देना चाहती हूँ ये ओपन सोर्स और फ्री का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है। अगर एक टूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि ये फ्री है, और कभी कभी हम देखते हैं ओपन सोर्स और फ्री, और कभी लगता है ओपन सोर्स है। इसका मतलब क्या होता है? फ्री यानी कि हमको उसको पीछे जो कोड है हमको पता नहीं है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप ले लो, वो यूज करना है तो उसको पीछे लाइंस ऑफ लाइंस कोड होता है ना, तो वो कोड हमको पता नहीं है। लेकिन ओपन सोर्स टूल्स में ऐसा होता है कि पूरा कोड पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिकली लोगों को अवेलेबल है, वो जो कोड है पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज हो तो आप वो टूल को, वो कोड को लेके आप कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए वैसा। मुझे ये पसंद नहीं है, ये कलर चेंज करना है, या फंक्शनैलिटी, खाली लुक एंड फील ही नहीं है, फंक्शनैलिटी भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ऐसे टूल्स को बोलते हैं हम ओपन सोर्स टूल्स, वो फ्री भी होता है। एग्जाम्पल है ये जो H5P, और अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में बोले तो Moodle है एक ओपन सोर्स एंड फ्री LMS। आई एम अ मॉडल एजुकेटर एंड आई एम अ वेरी गुड सपोर्टर ऑफ अ मॉडल। बहुत सारे LMS यूज किए हैं, लेकिन ये जो ओपन सोर्स का पावर जो होता है, और कभी कभी अगर कोई टेक्निकल पीपल है तो वो ये पूछ सकते हैं कि ये ओपन सोर्स है, कोड पूरा बाहर है, लेकिन सिक्योरिटी का क्या है, हाउ सिक्योर इट इज दिस टूल। मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसे जो ओपन सोर्स का फोरम्स जो होते हैं नेट में बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कभी आपको कोई भी दिक्कत आ गया उसके बारे में आप फोरम में पोस्ट किए तो इमीडिएटली उसका रिस्पांस आ जाएगा, और बहुत स्ट्रांग रहता है उसका नेटवर्क्स, और एवरी टाइम दे कीप ऑन गिविंग अस पैचेस बोलते हैं उसको। वो पैचेस इसलिए देते हैं वो सॉफ्टवेयर को कि
वो सिक्योरिटी अपडेट करते रहते हैं. सो आई ऑलवेज सैल्यूट दिस टेक्निकल पीपल हु प्रिपेयर ओपन सोर्स टूल्स. सो ये जो H5P जो है ओपन सोर्स टूल है. H5P का मतलब है HTML5. अभी अभी हमने बात किया है कभी एक ऑथरिंग टूल लिए तो हम अगर उसका हमने कुछ बना दिया कुछ क्या बोलते हैं कुछ कंटेंट बना लिए हम उसका आउटपुट जैसा कि सेव सेव एज करते हैं ना हम तो उसका आउटपुट जो है कैसा रीच होगा हमारे स्टूडेंट्स को अगर वो कैसे ओपन कर सकते हैं वो भी मैटर करता है. तो ऐसे वाले में HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो हम वेबसाइट्स देखते हैं ब्राउजर में है ना पहले HTML होता था उसके बारे में उसका एडवांस्ड वर्जन है HTML5. तो HTML5 में इंटरैक्शन ज्यादा होता रहता है और ये HTML5 जो है वो 99% ऑल डिवाइसेस में ब्राउजर के साथ आप देख सकते हैं जो भी कॉन्टेंट है. तो दैट इज द एडवांटेज विथ H5P. अ रिच HTML कॉन्टेंट कैन बी क्रिएटेड विथ H5P. वट इज द नेम बिहाइंड दिस इज HTML5. दैट्स हाउ दे नेम्ड दिस सॉफ्टवेयर एज H5P क्रिएटेड बाय अ कंपनी कॉल्ड जॉबल. ये फ्री है ओके और ये ओपन सोर्स भी है. हमने अभी अभी बात किया है फ्री और ओपन सोर्स के बारे में और लास्ट वन है रेस्पॉन्सिव यानी कि कंपैटिबिलिटी विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिवाइसेस. कभी कभी हम कंटेंट देखते हैं बड़ा स्क्रीन में कभी कभी देखते हैं छोटा लैपटॉप में कभी कभी टैब में देखते हैं और कभी छोटा पाम टॉप्स में भी देखते हैं सेलफोन्स में देखते हैं. ये जो कंटेंट आप प्रिपेयर करेंगे H5P में वो हर 99% हर डिवाइस के ब्राउजर में एक्सेस होगा एंड इजी टू यूज एज अ ऑथर ऑल्सो एज अ लर्नर. दीज आर द स्ट्रेंथ्स एंड नॉट ओनली दैट इट्स अ वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव क्रिएटिव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. इसके साथ हम क्रिएट कर सकते हैं फिर रीयूज भी कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं और बहुत सारे OER भी अवेलेबल है ऑलरेडी ओके. अगर कंटेंट टाइप्स कौन से तरह के कंटेंट टाइप्स हम बना सकते हैं अगर ये पूछे तो हम 40 से ज्यादा आंसर है 40 से ज्यादा. More than 40 varieties of content types can be created with H5P. लेकिन हमको कुछ चीजें समझना चाहिए. ये जो 40 varieties जो हैं, जो हमें चाहिए वो बना सकते हैं. पहले हमको क्वेश्चन करना पड़ता है कि हमारा कंटेंट क्या है और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है और टीचिंग लर्निंग पेडागोजी में हम क्या देना चाहते हैं हमारा यूजर को. खाली लर्नर को एंगेज होना चाहिए या उसको नॉलेज उसको फिर से एक्सेस करके फिर से उसको अपने आप सेल्फ टेस्ट करते हुए सीखना है या बस खाली हम प्रेजेंट करना चाहते हैं और कभी कभी आप फीडबैक भी दे सकते हो. अगर कोई क्विज जैसा दिए हैं तो आप फीडबैक दे सकते हो. अगर वैसा वाला कंटेंट डेवलप करना है क्या वो भी सोचना पड़ेगा. ये 40 से ज्यादा हम जो बोल रहे हैं हम जस्ट द अदर डे मैंने बोला ये ओपन सोर्स टूल है यानी कि उसका डेवलपमेंट होते रहता है बैकएंड में. अभी अभी एक लॉन्च हुआ है वो है जिग्सॉ पजल जैसा. जैसे कि आप बच्चों को एक जिग्सॉ पजल देते हैं और उसको अरेंज करना है कितना टाइम में अरेंज कितना टाइम लिया कितना करेक्ट किया वो आंसर देता है. वो अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है अभी टेस्टिंग चल रहा है उसका. वो हम टेस्ट कर रहे थे और ऐसा मैंने बोला ओपन सोर्स है तो कोई भी टेक्निकल पर्सन हो या कोई इंटरेस्टेड पर्सन हो दे कैन रजिस्टर देयर एंड दे कैन आस्क फॉर अ बीटा टेस्टिंग. वो लोग देते हैं बीटा टेस्टिंग के लिए नया जो चीज आता है वो हम टेस्ट करके हमारा व्यूज भी दे सकते हैं. चलिए ये फीडबैक का कॉन्टेंट्स जो है इतने सारे हैं लेकिन फीडबैक के बारे में बोलना है तो हमको एक चीज बहुत याद रखना चाहिए. ऐसा है कि
खाली कभी हम एक मैं एग्जाम्पल बोलूंगी इधर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू आवर यूजर्स राइट या फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन हो राइट और रॉन्ग देते हैं हम और उसका मार्क्स दे देते हैं. अगर आप सोचिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर हमारा फीडबैक ऐसा है कि कैपिटल ऑफ तेलंगाना आपने ऑप्शंस दिया हुआ है एक हैदराबाद दिया है और एक अमरावती दिया है और दूसरी और एक दिया हुआ है तो आप अगर अगर यूजर ने अमरावती सेलेक्ट किया तो आप आंसर में इंस्टेड ऑफ रॉन्ग आप फीडबैक ऐसा दे सकते हैं अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. जैसे कि हम रीइंफोर्स कर रहे हैं नॉलेज को. सो इसलिए आई रियली लाइक निकोल्स कोट कि फीडबैक इज वैल्यूएबल व्हेन इट इज रिसीव्ड अंडरस्टूड एंड एक्टेड ऑन. सो हाउ स्टूडेंट्स एनालाइज डिस्कस एंड एक्ट ऑन फीडबैक इज एज इम्पॉर्टेंट एज द क्वालिटी ऑफ द फीडबैक इटसेल्फ. जब हम फीडबैक देते हैं क्वालिटी फीडबैक देना है बस हो गया नहीं वो फीडबैक लेके हमारा स्टूडेंट्स कैसे एक्ट कर रहे हैं वो समझ रहे हैं वो अगर उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है नेक्स्ट टाइम वो या नहीं वो भी देखना पड़ता है. कभी कभी फीडबैक के साथ हम मोटिवेट भी करते हैं स्टूडेंट्स को और गाइड भी कर सकते हैं और कभी रिवार्ड भी दे सकते हैं हम उसका क्वालिटीज ऑफ देयर वर्क देख के हम रिवार्ड भी कर सकते हैं. और आजकल आउटकम बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड हम एजुकेशन जो बोल रहे हैं उसमें फीडबैक प्लेस अ मेजर रोल. ओके सो H5P कंटेंट टाइप्स में फीडबैक देने वाले कंटेंट टाइप्स कुछ हैं खाली प्रेजेंटेशन के लिए कुछ हैं ठीक है. तो ये कुछ ऐसे कंटेंट टाइप्स होते हैं H5P में जैसे कि खाली प्रेजेंट ही नहीं हम टास्क भी दे सकते हैं उसमें प्रेजेंट करते हुए इन बिटवीन टास्क भी दे सकते हैं. जैसे कि एक आप सोचो कोर्स प्रेजेंटेशन हो या इंटरैक्टिव वीडियो हो वीडियो में हम वीडियो एक प्रेजेंट करते हैं और इन बिटवीन कुछ ऐसे टास्क भी दे सकते हैं उनको जैसे कि कुछ क्वेश्चन का आंसर करें नहीं तो कुछ एक्सटर्नल लिंक दे दें डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इंटरेक्शन. और कुछ होते हैं जैसे कि इंटरैक्टिव बुक हो या कॉलम हो अलग से जो टास्क जो है वो सब कंबाइन करके इसमें भी दे सकते हैं हम. लेकिन ये सब देखते हुए मुझे लगा कि ऐसा डिवाइड करने से अच्छा है अगर मैं ये H5P कॉन्टेंट टाइप्स को एक पीरियोडिक टेबल जैसा बना लो. ये आइडिया जो आया है स्टुअर्ट मेलार करके एक एडुकेटर ने बनाया एक H5P कंटेंट टाइप्स के साथ पीरियोडिक टेबल. लेकिन वो ऐसा ऐसा सेग्रीगेट तो नहीं किया है खाली ऐसा बना हुआ है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये कंटेंट टाइप्स को ऐसा डिवाइड करें कि कुछ टूल्स होते हैं कुछ कंटेंट टाइप्स होते हैं H5P का खाली हम प्रेजेंट कर सकते हैं और कुछ टाइप्स होता है एड्यूटेनमेंट जैसा जैसे कि छोटा गेम जैसा बना सकते हैं. कुछ होते हैं खाली टास्क देते हैं हम जैसे कि ये आंसर करो ये वो आंसर करो जैसे MCQ हो ड्रैग एंड ड्रॉप हो क्रॉसवर्ड हो या फाइंडिंग द वर्ड्स हो ग्रिड में ऐसा वाला. और कुछ हो सकते हैं प्रेजेंटेशन विद टास्क जैसा अभी अभी हमने डिस्कस किया है या कुछ कंटेंट टाइप्स होते हैं ऑडियो बेस्ड. लेकिन जब ये ऑडियो बेस्ड यानी कि डिक्टेशन एक पॉपुलर है और एक स्पीक द वर्ड सेट करके एक रहता है लेकिन जब हम ये ऑडियो बेस्ड स्पेशली लैंग्वेज टीचर्स विल गेट एक्साइटेड अबाउट दिस इट्स रियली नाइस बट देयर इज समटाइम्स इट इज अ ब्राउजर बेस्ड. Now, it may not work on all browsers. You have to make sure to tell your students, hey, please work on only Chrome. Okay, ऐसा वाला hint भी देना चाहिए हमारे users को. मैंने यही periodic table को और interactive periodic table भी बनाया है. मैंने वो link भी देती हूँ किसके साथ H5P के
एक कंटेंट टाइप के साथ मैंने ये पीरियोडिक टेबल को इंटरैक्टिव पीरियोडिक टेबल भी बना लिया। चलिए H5P के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। लेकिन उसका क्या चाहिए हमको, ऐसा बनाने में क्या चाहिए हमको? एक पहले जैसा बोला कि वो HTML बेस्ड है, तो वेब ब्राउजर, एक ब्राउजर की जरूरत है, क्रोम हो या फायरफॉक्स हो या कोई अदर ब्राउजर। लेकिन कभी कभी कुछ ब्राउजर्स कुछ अलग सा बिहेव भी कर सकते हैं, सो मोस्टली क्रोम और फायरफॉक्स में देखते हैं सब। ओके, और कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हमारे पास जैसा कि एक वेबसाइट या वेबसाइट यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसा वर्डप्रेस की जरूरत हो या ड्रुपाल होना चाहिए, नहीं तो कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लाइक मूडल होना चाहिए या कैनवास या ब्लैकबोर्ड या मूडल, ये सब होना चाहिए। और आप सॉफ्टवेयर एज अ सॉल्यूशन देते हैं H5P.com। यहाँ और एक एग्जांपल मुझे मैं देना चाहती हूँ आपको, जैसा बोला कि ये ओपन सोर्स टूल्स जो होते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ। आजकल के जमाने में हम 3D में कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, है? तो कुछ लोग ऐसा किया कि ये दो रूम का होम जो है जो आप असेंबल कर सकते हैं, ऐसा वाला प्रिंट करके आपके घर में बेच दिए हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स। जैसे आप असेंबल करके या दो रूम का बना सकते हैं या आप कस्टमाइज करके एक रूम भी बना सकते हो, लेकिन वो रखने के लिए आपको वो जो 3D प्रिंट का जो ब्लॉक्स आया है वो आपको रखने के लिए एक जगह तो चाहिए, नहीं? वो जगह, वो उसको बोलते हैं हम सर्वर एनवायरनमेंट। तो ये ओपन सोर्स टूल्स के लिए जैसा वाला एक एनवायरनमेंट की जरूरत होता है। वो जो एनवायरनमेंट है H5P प्लगइन सपोर्ट वाला कोई साइट, यानी कि वर्डप्रेस या ड्रुपाल साइट, वो फ्री प्लगइन मिलता है H5P का, या कोई LMS होना चाहिए। अगर ये सब कुछ भी नहीं है हमारे साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर एज अ सॉल्यूशन, यानी कि वो लोग हमारे लिए सॉफ्टवेयर वहां पे होस्ट करते हैं। जैसा हमने बोला ये हाउस को हम होस्ट करने के लिए एक जगह चाहिए, वैसा वाला जगह सर्वर में वो लोग हमको सर्वर एनवायरनमेंट देते हैं, जैसा हम वहां पे बना सकते हैं H5P का कंटेंट टाइप। वो है एक H5P.com, वहां पे प्राइस भी बहुत ज्यादा है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप यू टेक। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे थिंक इज, अगर H5P का कंटेंट बनाना है तो वो जाके H5P.org में बनाते हैं, यानी या कुछ लोग समझते हैं पहले H5P फ्री था, अभी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, H5P इज ऑलवेज ओपन सोर्स एंड फ्री, ये याद रखिए। लेकिन H5P.org जो है वो खाली टेस्टिंग पर्पस के लिए दिया हुआ है, वो हम वहां रजिस्टर करके वो उसका कंटेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं या हम कैसा बिहेव करेगा देख सकते हैं। और एक बात है, जहां आप पब्लिश करेंगे HYP.org में, वो पूरा पब्लिक को अवेलेबल है, आप हाइड नहीं कर सकते हैं आपके कंटेंट को। और एक बात ये है कि आप वहां स्टूडेंट अगर आंसर किया है उसका एनालिसिस आप देख नहीं पाते हैं, उसका रिजल्ट्स आपके पास नहीं आएंगे। तो फिर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो हम H5P कंटेंट टाइप्स हमारे लैपटॉप में बना सकते हैं? हाँ, देर इज अ टूल, देर इज अ सिंपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल। Yesterday I sent a prerequisite to all of you to download one software which is called Lumi from lumi.education. और एक बात है, यहाँ पर लूमी भी ओपन सोर्स टूल है। Hats off to all those developers. It's called Lumi, जहाँ हम H5P content type create कर सकते हैं। और एक है, इंडिया में पहली बार ऐसा लॉन्च हुआ है H5P catalog.in, जहाँ आप रजिस्टर कर सकते हैं वो साइट में जाके,
अगर वो लोग आपको एंट्री दिया है तो वहां पे आप कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन वो जो जहां आप कंटेंट बनाते हैं वो लोग बोलते हैं एक्चुअली आई स्टार्टेड दिस रिपर्पसिंग ओईआर, जो ओईआर ऑलरेडी अवेलेबल है वो लेके आप इंटरैक्टिव कंटेंट बनाएंगे और आप ओपन लाइसेंस के साथ वहां शेयर करेंगे. वैसा वाला प्लेटफॉर्म है पहला वाला इंडिया में hypcatalog.in. ओके, तो अभी ये लूमी के बारे में आप सबको दिया हुआ है एस्टरडे. आई होप ऑल ऑफ यू डाउनलोडेड लूमी. सो बिफोर वी गेट ऑन टू रियली द हैंड्स ऑन वर्शन ऑफ इट, आई विल आल्सो डेमो हाउ यू डाउनलोड दैट. बिफोर दैट वी सॉ व्हाट इज इंटरैक्टिविटी. We saw various levels of interactivity, but then why interactivity? What do you think? I want your answers again in the same Slido, you did last time. Let me share it again with you all. अगेन आप वही slido.com में आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, नीड ऑफ द आवर, एब्सोल्युटली सर. But why? Okay, to judge viewer response. Okay. Must for online education. Okay. Results, assessment, collaboration. Wow. Okay. Idea implementation. Okay. Learner-centric education, you mentioned, due to child-centered education. Okay. Yeah. But what it promotes? Definitely the learner's involvement. Interested बनाने को, हाँ जी बहुत interested भी बना सकते हैं, और लेकिन छात्रों को भी उसमें वो environment में वो teaching learning के वो जो environment जो होता है उसको भी part करने के लिए. हाँ, very good, very good, very happy to see these results actually. I hope I am sharing. Yeah. Yeah, definitely. As you all said, a learner will just not only passively he will learn. Yani ki wo bas video dekh liya, bas wo text padh liya, image dekh liya, ho gaya. Wo bhi participate kar sakte hain. एक्टिव पार्टिसिपेशन है और एक्टिवली लर्न कर सकता है. और एक बात है, लर्नर की एक्टिविटी जो है हम ट्रैक कर सकते हैं अगर हमारा कंटेंट इंटरैक्टिव हो. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म वी यूज, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टूल वी यूज, ये जो ट्रैकिंग जो है उसमें डिपेंड करता है. कभी कभी वीडियोज का व्यूइंग टाइम भी हम जज कर सकते हैं, और कितने अटेम्प्ट्स किया है वो क्वेश्चन को वो भी देख सकते हैं. कभी कभी आप एक क्विज दिए हुए हैं मल्टी, जैसे आप ऑनलाइन कोर्सेज कुछ करते हैं आपको देते हैं, मल्टीपल टाइम्स यू कैन एक्सेस द क्विज
बिटवीन सो एंड सो डेट, अगर फरवरी 2 से लेके फरवरी 10 तक कभी भी आप कितने बार भी करो 100% आने तक भी कर सकते हैं, लेकिन टीचर को पता चल जाएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट्स लिए हैं और कौन से अटेम्प्ट में कितना टाइम लगाया है और आपका स्कोर क्या है। दो आपका हाईएस्ट ग्रेड जो आया है वो देते हैं वो लोग, लेकिन एज अ टीचर आप ये सब ट्रैक कर सकते हैं। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन जो है ये इंटरैक्टिव कॉन्टेंट बनाने में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इज हाउ वी कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट। कभी कभी हम कमेंट भी कर सकते हैं और कभी कभी उसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जैसा स्मॉल एग्जाम्पल मैंने दिया है, अगर हम फीडबैक फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन ऑफ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए तो हम लर्निंग रीएनफोर्स कर सकते हैं बच्चों को, ठीक है। अगर हमारे पास एक एलएमएस हो तो हम ये ट्रैकिंग वाला कैसा देख सकते हैं। ये H5P का एक्टिविटीज जो है अगर आप मॉडल LMS में लिए हैं तो आप देख सकते हैं कि वो कौन सा कंप्लीट किया कि नहीं किया, उसका मैक्सिमम स्कोर क्या है, उसने कितना अचीव किया। अगर मैक्सिमम अचीव किया तो वो सक्सेस देता है, अगर मैक्सिमम नहीं आया स्कोर फिर भी यूजर ने कंप्लीट कर दिया एक्टिविटी तो वो एक्टिविटी कंप्लीशन हो जाएगा। और कितना अटेम्प्ट्स लिए हैं ईच यूजर वो सब भी हम देख सकते हैं एलएमएस में। अगर हमारे पास एलएमएस नहीं हो या कोई साइट जो H5P प्लगइन का सपोर्ट हो वो सब नहीं है हमारे पास, फिर भी हम एनालिसिस देख सकते हैं लूमी के द्वारा। ये अभी मैंने बोला कि ये ओपन सोर्स टूल है और ये लोग अभी भी इसके साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक एनालिसिस हमको दे रहा है लूमी एनालिटिक्स में, लूमी सॉफ्टवेयर के साथ वेरी बेसिक वन, वो भी हम देख सकते हैं। वो अभी हैंड्स ऑन में हम देखेंगे कैसा हम एनालिसिस भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात है, ये जो एक्टिविटीज जो होता है अगर लूमी के साथ बना रहे हैं आप या कोई एलएमएस में हो, यूजुअली H5P के एक्टिविटीज जो होता है जो हमको लर्निंग एक्टिव लर्निंग के लिए यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं कभी कभी उसके लिए यूज कर सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली फॉर सबमिटिव वंस। ओके, ऐसे क्वेश्चन टाइप भी इसमें है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन लाइक व्हाट दे से इज इट इज इजीली हैकेबल, यानी कि अगर वो उतना नहीं होता है स्कूल एजुकेशन में फिर भी एडवाइजेबल, नॉट फॉर अ समेटिव वन बट फॉर अ डेफिनेटली फॉर अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। और अगर हमको कंटेंट ऑलरेडी जो अवेलेबल है रीयूज करना चाहते हैं, हम कैसे रीयूज करते हैं, वी हैव टू माइंड द कॉपी राइट फर्स्ट। शायद आपको कल ओपन लाइसेंसेस के बारे में क्लास हुआ होगा, आपने समझा होगा कि 6 वेराइटीज ऑफ लाइसेंसेस, और अगर वो लाइसेंस सपोर्ट करता है, अगर आप देख लीजिए लाइसेंस इंफॉर्मेशन जहाँ कॉपी राइट बटन होता है उसमें दबा दीजिए आपको पता चलेगा, और फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, आप लूमी में ओपन करके वो बैक एंड देख सकते हैं। और बात और एक बात है, HYP.org में जो भी कंटेंट है वो सब पब्लिकली अवेलेबल है, दैट्स व्हाट द वेबसाइट सेज। लेकिन एज अ यूजर इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया, अगर आपको कुछ कंटेंट बहुत अच्छा लगा जो कोई यूजर ने डेवलप किया, इट्स नॉट HYP.org, somebody else developed and posted it in HYP.org, इट्स ऑलवेज गुड आइडिया to search for them and send them a mail, hey, I liked your content, I want to use it. It's always a good idea. Okay? Or attribute them. This is where I found. You modify it, but you attribute them. Okay? So we will see some, I will tell you how to reuse some content types. It's always good idea. Whenever you go to h5p.org, you will see various content types you can download and see the back end of it, opening it in the Lumi application, how they have
designed that so that आप learn करके आप भी उसको customize reuse भी कर सकते हैं. जब भी आप कोई भी material आप reuse कर रहे हैं आपको attribution देना बहुत जरूरी है. आप attribution builder Open Washington University का attribution builder जो होता है उसका use करके आप दे सकते हैं. अब ये भी हम practical session में अभी use करके देखेंगे कैसा हम use करेंगे. तो हम examples hyp.org से ले सकते हैं. We can download and observe the backend, or we can modify and repurpose it. Or there is a wonderful already it's began. There is a lot of content. It's already available in hyp OER hub. अगर आपके पास कोई वेबसाइट हो जो सपोर्टिंग HYP प्लगइन का, आप OER हब भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जहां आपको जो कंटेंट मिलता है वो आप डाउनलोड करके रीयूज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लाइसेंस दे गिव. ओके, आई विल शो यू एंड आई विल शो यू सम एग्जांपल्स एंड टेम्पलेट्स ऑफ दिस ऑल्सो. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो ऑल ऑफ यू डाउनलोडेड the Lumi application or not. If you have downloaded, we immediately will start how to use that Lumi application. But before we create any interactive content, we have to make sure that how much time we have, what kind of content that we have to develop, whether we have a storyboard, I mean that idea, storyboard is nothing but that idea we have in place or not. What is the purpose of this interactive content? Do we have to create to motivate our students, to engage our learners, or to provide a constructive feedback to them, or to give them an option to whether to give them an option to redo again and again and again, or do we have to provide the solution also to the user so that looking at the solution, they'll redo it so that we reinforce the learning. All these questions should come to our mind, and answers also we have to keep in our mind. Then only we have to move forward. I always say, Alvin Toffler's quote, learn, unlearn and relearn. बहुत सारे चीजें हम learn करते रहते हैं. कभी कभी कुछ भूलना चाहिए फिर learn करना चाहिए. ये बहुत अच्छा लगता है मुझे. Tools बहुत सारे होते हैं teachers के लिए, लेकिन जो टूल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट होगा, जो हमारे छात्रों को एक्सेस करने में दिक्कत नहीं होता है, वो टूल को हम चूज करना चाहिए. और एक बात है, यू विल गेट इंट्रोड्यूस्ड एज अ टीचर बहुत सारे टीचिंग टूल्स के बारे में. अच्छा है आपको जानकारी हो, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कहाँ कौन सी टूल यूज करना है. वो तब समझ में आएगा जब हम वो टूल के बारे में, उसका फंक्शनैलिटी के बारे में, उसका आउटपुट के बारे में हम समझ सकते हैं. ये सब जानना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि ये टूल बहुत अच्छा है वो टूल अच्छा नहीं है, वैसा कुछ नहीं है. एवरी टूल हैज इट्स ओन स्टाइल एंड वे ऑफ कंफर्ट. हमको देखना चाहिए कि हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं, हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे छात्रों के लिए वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है या इज इट रियली हेल्पिंग देम और नॉट. यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ. हमने एक 10th क्लास स्टूडेंट्स के साथ हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है. एक ऐप के जरिए खाली ऑडियो गाइड बनाया दिया है तेलुगु लैंग्वेज का, और उनको एग्जाम के पहले दिया हुआ है, और कुछ बच्चों को, और कुछ बच्चों को टेक्स्ट मटेरियल दिया है. ये जो ऑडियो जो यूज किया है ना, सिंपल सा ऑडियो है, आपको स्मार्टफोन के लिए भी जरूरत नहीं है, कोई भी फोन हो जैसा ऑडियो प्ले कर सकते हैं, उसमें वो लोग लोड कर सकते हैं, वो आराम से लिसन कर सकते हैं वो सब. जैसे कि एग्जाम के पहले दिन या किसी को उसको डाउट आया है कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक जाके वो चूज करता था और सुनता था. और खाली वीडियोस हो या कोई विजिबल कंटेंट हो, वही नहीं, सिंपल ऑडियो भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है. बस हमको समझना चाहिए हमारे बच्चों को क्या चाहिए. और एक बात, जब भी आप कंटेंट बनाते हैं,
हमको समझना चाहिए वो कंटेंट एक्सेसिबल होना चाहिए. आपको असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हो गया होगा, तो एक्सेसिबिलिटी इज अ मेजर थिंग. अगर आप H5P के बारे में एक्सेसिबल, H5P इज इट एक्सेसिबल ऐसा पूछा तो यस, बट नॉट ऑल द कंटेंट टाइप्स, वेरी फ्यू ऑफ देम. ओके, वी हैव टू सी ऑल दैट नाउ. So I hope everybody downloaded Lumi application. Yes, I see. Yes. So abhi main Lumi application ko main open karungi. Aapko dikha dungi kaise hum create kar sakte hain. Ek abhi haan. Okay. Koi hai? हाँ मैं बोलूंगी. अगर या मैं बस सोच रही थी किसी ने डाउट क्यों नहीं पूछा डाउनलोड के बारे में. हाँ, लिंक टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट. ये डाउनलोड करने के लिए मैंने बहुत अच्छा सा वो वीडियो में भी बताया कि अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो असल होना चाहिए, यानी कि टैम्पर्ड होना नहीं चाहिए. आपको विंडोज अगर डाल दिया है उसमें तो आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ होना चाहिए. अगर वो नहीं है आपके पास तो आप exe फाइल डाउनलोड कीजिए. ओके, वहां पे जो exe या हाउ टू डाउनलोड आई विल टेल यू, बट या ओके फाइन. द थिंग इज पहले आपको भेज दिया है क्योंकि आप देख सकते हैं, फिर भी मैं बोलूंगी आपको शेयर करूंगी मैं मेरी ब्राउजर. हाँ हाँ कर रही हूँ जी. हाँ, ये जो साइट है lumi.education. ये जो साइट है lumi.education, यहाँ पे मेन्यू में सेकंड बटन है डाउनलोड. डाउनलोड आते ही आपको 3 ऑप्शंस आएंगे, लिनक्स हो या मैक हो या विंडोज. मैंने मैक में यूज कर रही हूं. अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्यून हो, पायरेटेड नहीं हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से फ्री एप्लीकेशन है लूमी डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपका टेम्पर्ड ओएस हो, यानी कि जेन्यून ओएस विंडोज नहीं है, तो आप इंस्टॉलर exe डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, और एक बात, ये 32-bit सिस्टम में काम नहीं करेगा, 64-bit सिस्टम होने की जरूरत है. ठीक है, आप ये exe डाउनलोड कीजिए. ये सिंपल सा फाइल है, वेरी फ्यू मिनट्स में आपको डाउनलोड हो जाएगा. डबल क्लिक कीजिए और इंस्टॉल कीजिए. अभी मुझे चैट देखना है. हाँ, स्टेप बाय स्टेप का मैंने वीडियो भेजा है कल, फिर से मैं भेजूंगी शायद उसका, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है. So first go to lumi.education from your browser. Here I am using. हाँ, यहाँ पे एक लिंक है. 32-bit हो तो आप लूमी यूज नहीं कर सकते हैं. आपको प्रैक्टिस करना है तो आप hyp.org में ट्राई कीजिए, लेकिन वो .org में खाली ट्राई करना है. ओके, और ये एक वीडियो है, आप देखिए और इंस्टॉल कीजिए. लेकिन आजकल 32-bit का कौन यूज कर रहे हैं? हो रहा है अभी भी? ओके. वो अभी आप टेक्निकल पर्सन हैं? हाउ टू यूज मैं बोलूंगी अभी.
हाँ स्टेप बाय स्टेप मैं अभी बोलूंगी. ओके मैंने सोचा अब इंस्टॉलेशन. ओके फाइन, तो मुझे खाली एप्लीकेशन दिखाना है. मैं दिखाऊंगी. आई विल शेयर माय एंटायर डेस्कटॉप नाउ एंड ओके दिस इज माय लूमी एप्लीकेशन. आप सब लोग ये देख सकते हैं ना मेरा लूमी एप्लीकेशन. There are two tabs. Okay, great. Thank you. Yeah, I want all of us onto the same page. The first one is H5P Editor. The second one is Lumi Analytics. Abhi hum analytics ko touch nahi karenge. Khali hum editor ko dekhenge. So this is the tab H5P Editor. You can click on this or click on Start. Then this is the page that you will be with two buttons. One is open existing H5P. The second is create new H5P. So all of you on this page, Y or N, I want to see more Ys in the chat. Okay, Vikash Saxena ji download kar rahe hain abhi. Ha, wait karenge phir. Wait karenge. Theek hai. अगर कुछ लोग डाउनलोड कर दिए हैं तो आप कुछ चाय या पानी लेके आइए. एंड यू विल एंजॉय H5P. आई एम टेलिंग यू. मैंने कल एक राइमिंग का अच्छा सा बनाया, राइमिंग वर्ड्स का. और H5P यूज करते हुए एक एनजीओ ने फिफ्थ क्लास का मैथ एंटायर कोर्स मॉडल में बनाया गया है. और उसमें जो H5P बनाया है वो H5P कैटलॉग में शेयर कर रहे हैं वो लोग. आई शो यू ऑल दोज एग्जाम्पल्स. आफ्टर डाउनलोडिंग वी हैव टू क्लिक ऑन यस यस. लेट मी गो बैक. या ये स्क्रीन देखेंगे आप. ये स्क्रीन में H5P एडिटर को क्लिक करना है. अगर जो लोग अभी अभी डाउनलोड कर रहे हैं वो डाउनलोड करके H5P एडिटर को क्लिक कीजिए. ओके गेटिंग इंस्टॉल्ड. ओके वेरी गुड वेरी गुड. और मैंने देखा है फॉर्म में जो भरा है बहुत सारे लोग H5P को यूज किए हैं लेकिन कोई भी अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. लेकिन आप सब लोग hyp.org में बनाया है तो वो कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं. हाँ 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 यू विल क्रिएट अ न्यू hyp ओनली. मैं वेट कर रही हूँ सर और मैडम. कुछ लोग अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं. हाँ मैं जिनको बोल रही हूँ जो उसने किया है अगर वो डाउनलोड करके. और कोई इंस्टॉलिंग बोला है किसी ने. प्लीज अपडेट हियर इफ यू आर ऑल रेडी. मुजफ्फर हुसैन सर. हाँ दैट्स वंडरफुल. अमनदीप सर वंडरफुल वंडरफुल. हाँ हाउ कैन यू डाउनलोड दैट कॉन्टेंट. हाउ कैन यू डाउनलोड इज मैं दिखाऊंगी आपको. दिखाऊंगी आपको सर. ओके रविशंकर तिवारी जी डाउनलोड हो गया है. ओके इंस्टॉल हो रहा है प्लीज. और कैसे वो कंटेंट को. दीपक वशिष्ठा जी हाउ टू डाउनलोड दैट कंटेंट. आई विल शो यू व्हेन आई विल शो यू हाउ टू यूज एग्जिस्टिंग कंटेंट. जब आएगा तब दिखाएंगे क्योंकि अभी मैं लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ. ओके ऑल द पार्टिसिपेंट रिक्वेस्टेड टू मार्क देयर अटेंडेंस. ओ अटेंडेंस आ गया है अटेंडेंस आ गया है. ओके दिव्या दर्शन मिश्रा सर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं. ऑल सेट वेरी गुड वेरी गुड.
Hussain sir, are you all ready? Somebody else also, Muhammad Mustafa Kamal also said getting installed. हाँ फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं आप वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर डॉक्टर राकेश जी वेरी गुड यू विल एंजॉय नो डाउट अबाउट इट यू विल एक्सप्लोर मोर ओके कमल सर तो आप देखिए क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टॉल हो गए हैं हाँ इट्स डिफरेंट फ्रॉम h5p.org अल्पा निगम मैंने एक्सप्लेन किया है सेम थिंग मैंने बहुत स्लोली एक्सप्लेन किया है h5p.org इज फॉर अ टेस्टिंग पर्पस ओनली वेयर वी क्रिएट कंटेंट वी ट्राई सम कंटेंट इनिशियली दे यूज टू गिव अस ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंटेंट टू क्रिएट बट रिसेंटली दे रिस्ट्रिक्टेड सम कंटेंट टाइप्स बिकॉज इट इज नाउ सो पॉपुलर पास्ट 7 years मैं उसको यूज कर रही हूँ जब से वो शुरू हुआ है आप मेरा प्रोफाइल भी देख सकते हैं उधर लेकिन मेरा यूजर नेम होता है मेरा रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से तेलुगु करके रहता है उसमें hyp.org में बहुत सारे कंटेंट में भी करती थी वहां पर लेकिन वो खाली एक्सपेरिमेंटेशन के लिए है ओके अ फोल्डर विथ ओपन है एंड न्यू hyp एंड लेफ्ट साइड इट सेज लोडिंग प्लीज वेट टेल शैल आई क्लिक ऑन द न्यू hyp फाइल Yes, sir. I haven't gone there yet. Okay. तो यहाँ पे मैं start कर रही हूँ. दो buttons है इधर. Open existing H5P. Create new H5P. Okay. जो create new H5P को हम click करेंगे, तो ये जो editor का environment आ जाएगा. यहाँ पे editor का एनवायरमेंट आ जाएगा अगर फर्स्ट टाइम आपने डाउनलोड किया है तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये कंटेंट के बारे में वो होता है कि जब आप ये डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो ये और एक बटन हो सकता है इधर इंस्टॉल करके तो डोंट वरी वी विल सी दैट पहले हम समझेंगे कि ये इसका इंटरफेस क्या है यहाँ पे दो बटन्स है एडिट और व्यू का लेफ्ट साइड में आपका ओपन H5P फाइल है न्यू H5P फाइल है और अभी हम न्यू H5P में हम काम कर रहे हैं यहाँ कैसे आए हैं हम यहाँ H5P एडिटर स्टार्ट क्लिक किए और हम क्रिएट न्यू H5P बोले तो इधर आ गए हम ये जो एडिटर जो है ये हर एक एनवायरमेंट में सेम रहता है जैसे कि आप वर्डप्रेस में हो या ड्रूपाल में हो या कोई आपका एलएमएस में हो यही एडिटर होता है खाली एक फर्क होता है कि इधर ओईआर हब का एक बटन रहता है जहां से आप ऑलरेडी ओईआर हब में जो शेयर किया है वो कंटेंट ले सकते हैं ठीक है यहाँ पे जब आप कंटेंट देखेंगे ये सब कंटेंट जो है ऐसा सेग्रीगेट होता है कि A टू Z ये जो 40 वैरायटीज ऑफ कंटेंट टाइप्स है जैसे कि A टू Z भी आप सॉर्ट कर सकते हैं या न्यूएस्ट फर्स्ट कर सकते हैं या पॉपुलर फर्स्ट भी कर सकते हैं कभी कभी आपको ऐसा अपडेट अवेलेबल करके दिखाई देगा तब आपको क्या करना है अगर ये अपडेट अवेलेबल दिखा रहा है तो आपको डिटेल्स में क्लिक करके यहाँ पे अपडेट ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करना है या आप पहली बार यूज करें कोई लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल करके आएगा वो इंस्टॉल भी कर सकते हैं ओके या गेट गेट यस यस गेट हाँ गेट में क्लिक कीजिए हाँ हम सिंपल सा एक बनाएंगे आपको दिखाई देंगे और इसके बाद एनालिटिक्स भी देखेंगे वेरियस कंटेंट टाइप्स हम देखेंगे गेट गेट भी आता है कभी कभी हाँ गेट तो हम यहां एक बनाएंगे सिंपल सा क्योंकि हमको स्टार्ट शुरू करना है हाँ
गेट, आप गेट में क्लिक कर सकते हैं, क्लिक ऑन गेट एंड इंस्टॉल। हाँ, आप ऑल सबको आप गेट कर सकते हैं, या कोई कोर्स प्रेजेंटेशन या इंटरैक्टिव वीडियो को अगर आप गेट किए तो बहुत सारे आ जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। और एक है यहाँ पे, मुझे बोलने दीजिए कि आप छोटा सा पहले आप ट्राई करेंगे तो बड़ा बड़ा कंटेंट टाइप्स इजीली आप बना सकते हैं। छोटा वाला हम एक लेंगे, मार्क द वर्ड्स करके लेंगे। सब लोग आप यहाँ पर मार्क करके टाइप कीजिए, आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे गेट का होगा, तो आप गेट में क्लिक कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। मुझे ऑलरेडी है इसलिए डिटेल्स बता रहा है। आप सब लोग मार्क द वर्ड्स करके आप सर्च कीजिए। सबको मार्क द वर्ड्स मिला है? ओके ओके, आप इंस्टॉल कीजिए। आप इंस्टॉल होने के बाद ऐसा दिखाई देगा आपको। ब्यूटी ऑफ ओपन सोर्स टूल्स आर वेरी वेल मेंटेन्ड, ट्यूटोरियल्स विल बी देयर, डेमोस विल बी देयर। hyp.org में जो अच्छा डेमोज है, ट्यूटोरियल्स है, और लास्ट ईयर हमने एक फ्री कोर्स भी बनाया है hyp कैसे यूज करते हैं मूडल में। हाँ हाँ, हम दिव्या दर्शन जी, आपका डाउट क्या है, प्लीज टेल वंस व्हाट, विच वन। मार्क द वर्ड्स करके, मार्क करके सर्च कीजिए तो आपको ये मार्क द वर्ड्स दिखाई देगा। आपको गेट करना है, गेट के बाद क्लिक करना है और आप इंस्टॉल कीजिए तो आपको ये मार्क द वर्ड्स का ऐसा स्क्रीन आएगा। ओके तो या वेरी सून दैट hyp कोर्स विल बी लॉन्च्ड इन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर फ्री फॉर टीचर्स एस्पेशली, फॉर इंडियन टीचर्स एस्पेशली, एंड वी आर फोकसिंग। And there is a group called HYPians in Google Groups. You can join that group if you are interested. And then we'll be posting all the material there. It's a free course we will be doing. And we are also planning to build a HYPian army to recreate, repurpose OERs. Bar bar gayab hota jata hai. आई डोंट नो सर, क्यों ऐसा गायब हो रहा है, क्या गायब हो रहा है आपका सिस्टम? H5PN सर, आई विल शेयर, मैडम आई विल शेयर, इट्स कॉल्ड H5PN इन गूगल ग्रुप्स, सॉरी H5, हाँ मैं लास्ट में ये सब शेयर करूंगी, डोंट वरी, लास्ट में। एप्लीकेशन गायब हो रहा है बोले तो आपका सिस्टम का कुछ, मेमोरी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है सर, विच आई कैन नॉट हेल्प। बंसल जी, आपने डाउनलोड किया है? 32 बिट है तो काम नहीं करेगा मैम, मेरे सिस्टम में कुछ अलग ही आ रहा है, मार्क द वर्ड्स में आ रहा है। हाँ, ऊपर ट्यूटोरियल एग्जांपल राइट साइड कॉपी, तो आपके जैसे स्क्रीन में आ रहा है। हाँ जी, आपकी जैसी स्क्रीन नहीं आ रही मैम। तो यस, ऐसा आ गया आपका? जस्ट अ मिनट, नहीं मैम। मैं जब क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे आ जाता है कि नो कंटेंट टाइप्स आर अवेलेबल, जहाँ हाँ। पे आप वो एडिट और व्यू आ रहा है ना ऊपर, एडिट और व्यू के नीचे नो कंटेंट टाइप अवेलेबल आ रहा है, जहाँ पे आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्विज क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो चीज नहीं शो हो रही मेरे वाले पे ना। हाँ, तो आप कंटेंट अपडेट करना है आपको, तो आपका कोई कुछ अपडेट ऐसा कुछ दिखा रहा है आपको? हाँ जी, अपडेट शो कर रहा है मैम, ऊपर आ रहा है मैम अपडेट। यस हाँ, यस, अपडेट कीजिए उसको, अपडेट क्लिक कीजिए एक बार। जब अपडेट करते हैं ना तो वो ले जाता है मुझे उसकी माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे ले जाता है, और वो बोलता है कि अकाउंट लॉगिन करूं। तो हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर आप, आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आप लॉगिन नहीं हुए हैं, ओके, ये सब पूछेगा, तो इसलिए आपको वहां से नहीं, इंस्टॉलर से यूज करना पड़ता है, lumi.exe।
इंस्टॉलर ही किया था मैं, मैंने ना एक्चुअली इंस्टॉलर से इंस्टॉल किया था. ओके, आई विल सी योर केस. इट्स अ वेरी कॉमन केस. आई विल एक्सप्लेन यू सर, बस लेट मी कंप्लीट दिस. ओके, आई विल कम बैक टू यू. ओके, आपका नाम? हाँ मैम, जब ये गेट किया तो यूज आया, उसके बाद H5P मार्क द वर्ड ट्यूटोरियल एग्जांपल ये सब आ रहा है, लेकिन आपके जैसी स्क्रीन शो नहीं हो रही है. सेम वाला मैम, बैक होगा, एक बार बैक करने के बाद आ जाएगा अपने आप. ओके, बैक हो गया तो बिल्कुल ही बैक हो गया. बिल्कुल ही बैक हो गया तो आपको ऐसा दिख रहा होगा ना मैम. आप जब यूज करेंगी तब आ जाएगा मार्क द वर्ड ट्यूटोरियल, सारा कुछ आ जाएगा. हम लोग यूज कर रहे हैं मैम, यूज में क्लिक कर दिया है, आपने नहीं किया है. अब आप जैसे यूज पर क्लिक करेंगी तो सेम आ जाएगा, आप सबकी दिक्कत दूर हो गई. अब ऐसा ही मैम का आ रहा है जो बता रही है मार्क द वर्ड और ट्यूटोरियल एग्जाम्पल. अब मैम आपका और मैम का सेम हो गया है. थैंक यू मैम. यही आ रहा है सर, यही आ रहा है सेम. सी, इसीलिए कि मैंने यहाँ तक नहीं गया है. मैं स्टेप्स बताऊंगी फिर से. यहाँ मैं क्रिएट न्यू किया है और यहाँ मैंने मार्क द वर्ड्स का डिटेल्स लिया है और यूज किया है. और ये जो एडिटर जो होता है, यहाँ पर हमको ट्यूटोरियल है और एग्जाम्पल भी है. द फर्स्ट थिंग इज टाइटल, वेरी कॉमन टू ऑल कॉन्टेंट टाइप्स. And the small button next to title, which is very, very important, that is called metadata. That is where we add our license information, copyright information. Okay. When you click on metadata, you will see the title. So, hum ek title de rahe hain idhar. Or license, whatever I create, always it is CC BY and license and author. मैं मेरा नाम दूंगी और मेक श्योर योर कंटेंट इज योर कंटेंट, नॉट समवेयर. इफ इट इज फ्रॉम समवेयर यू हैव टू गिव दैट ऑथर इंफॉर्मेशन और लाइसेंसी और ओरिजिनेटर इंफॉर्मेशन, सब आप ऐड कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑथर्स को भी. हेलो, एक्सक्यूज मी मैम. मैम इससे पहली स्लाइड जो ऑल कंटेंट टाइप्स वहां तक मेरा आया, उसके आगे आपने क्या किया प्लीज? मैंने मार्क द वर्ड्स जी, ऑल कंटेंट टाइप आया ना मैम, इंटरेक्टिव वीडियोस जिसमें आता है. हाँ, आप मार्क द वर्ड्स टाइप कीजिए. ओके, मार्क द वर्ड जी जी आया मैम, थैंक यू. फिर आगे क्या करना? हाँ, सो वी आर यूजिंग मार्क द वर्ड्स. यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है, मैं सैंपल कर रही हूँ इसीलिए मार्क द वर्ड सैंपल दिया है. ये जो मेटा डेटा है, एवरी टाइम वी हैव टू सी दैट वी आर यूजिंग द प्रॉपर कंटेंट. वी कैन ऐड अवर ऑथर नेम एंड टाइटल एंड लाइसेंस वर्जन, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइसेंस इट इज. इफ यू आर यूजिंग अ पिक्चर फ्रॉम पिक्साबे देन इट इज अ पब्लिक डोमेन एंड देन सोर्स, वो सोर्स भी दे सकते हैं आप. एंड देन सेव ऑथर, सेव मेटा डेटा, कम हियर. आप टास्क को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि हाउ द यूजर शुड सॉल्व द टास्क. सो यहां पर क्लिक ऑन ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट क्रिकेट. मुझे ऐसा देना है उनको. आप कोई भी लैंग्वेज में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं. ओके, तो मुझे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आप सेंटेंस दे रहे हैं, उसमें वर्ब्स जो है वर्ब्स को मार्क करना है या एडजेक्टिव्स को मार्क करना है. मुझे यहाँ पे ऐसा देना है उसको, क्रिकेट के बारे में बोलना है और क्रिकेट के बारे में जो भी वर्ड्स होते हैं उसको क्लिक करना है. ये मैं बोल रही हूँ बच्चों को. तो यहाँ पे मैं देती हूँ वर्ड्स, बाउलर एक है और एक देती हूँ रैकेट है और विकेट है, बेल्स है और क्लब और पैड्स. ओके, रेफरी ठीक है और ड्राइवर और बैट्समैन ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड्स जो होते हैं उसको हम
एस्ट्रिक्स के बीच में रखेंगे. ओके विकेट, ओके, और विकेट को हम एस्ट्रिक्स में रखेंगे. बेल्स इज ऑल्सो करेक्ट वर्ड, सो आई विल कीप इट इन एस्ट्रिक्स. क्लब नॉट करेक्ट वर्ड, पैड्स इज अ करेक्ट वर्ड, सो आई विल कीप इट इन एस्ट्रिक्स. रेफरी नॉट, ड्राइवर नॉट, बैट्समैन इज अ करेक्ट वर्ड, तो मैं इसको एस्ट्रिक्स में रखूंगी. अगर आपको इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो यहाँ पे शो इंस्ट्रक्शंस करने से आपको इंस्ट्रक्शंस फिर से आपको दिखाई देगा. अगर आपको एस्ट्रिक भी उसके साथ ऐड करना हो तो क्या करना है, इससे यहाँ अच्छा दिया हुआ है. ठीक है, तो नीचे जाएंगे हम. ये बिहेवियर यहाँ पे स्कोर रेंज हो, अगर 0 to 100% और एक ऐड करेंगे यहाँ पर 0 to 90 में गुड ट्राई बोलेंगे हम. फीडबैक 100% आ गया तो अगर 90 से लेके एक्सलेंट बोलेंगे. ठीक है, और बिहेवियरल सेटिंग्स, ये जो बिहेवियरल सेटिंग्स जो होता है वो हर कंटेंट टाइप का अलग अलग तरीके का होता है. जैसे हम यहाँ मार्क द वर्ड्स कर रहे हैं तो उसका बिहेवियरल सेटिंग्स अलग है. अगर इंटरैक्टिव वीडियो लिया है, कोर्स प्रेजेंटेशन लिए हैं, वो अलग रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइटल भी दे दिया और यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दिया. टेक्स्ट फील्ड में हमने जो करेक्ट वर्ड्स है, जो रॉन्ग वर्ड्स है, हमने मार्क कर दिए. फीडबैक दिए हैं और यहाँ पे बिहेवियरल सेटिंग्स में रीट्राई और शो सॉल्यूशन दोनों दे रहे हैं, स्कोर पॉइंट्स भी दे रहे हैं. तो अभी हमको करना है फाइल से जाके इसको सेव करना है. सेव करने से क्या होता है, ये H5P प्रोजेक्ट जैसा सेव होगा. ठीक है, क्योंकि बाद में फिर आपको एडिट करना है तो ओपन करने के लिए आपको .h5p फाइल को जरूर सेव करना है. ठीक है, अभी आपने सब इंफॉर्मेशन दे दिए तो अब आप व्यू में क्लिक कीजिए. देखिए, क्लिक ऑन ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट क्रिकेट. एंड यहाँ पे और एक बात है, कहाँ से किया था, व्यू व्यू करके एक बटन है इधर आप टॉप में, व्यू एडिट में है हम, यहां से हम व्यू में क्लिक किए हैं. लेफ्ट साइड टू एडिट देयर इज अ व्यू बटन, देन वो चेक का ऑप्शन आ रहा है मैम. हाँ, चेक का ऑप्शन आ रहा है. हाँ, आपने ये सब दिया है, आपने ये सब दिया है. हाँ जी, जो आपने टाइटल दिया है. हाँ जी, जो आपने किया वो सब किया. ए टास्क डिस्क्रिप्शन दे दिया, टाइटल दिया. हाँ जी, हाँ. तो अभी और इसमें आपने करेक्ट वर्ड्स ये एस्ट्रिक्स के बीच में लगाया. हाँ जी, हाँ. तो आप व्यू में क्लिक कीजिए, क्या बोल रहा है. वो चेक कर रहा है मैम, जिस जिसमें मैंने एस्ट्रिक लगाया है और जो मैंने स्पेलिंग्स वर्ड्स लिखे हैं उसको बता रहा है वो. हाँ, चेक करने. क्योंकि आपने एस्ट्रिक को क्लोज नहीं किया है, जो भी करेक्ट वर्ड है आपको एस्ट्रिक्स के बीच में लगाना है. ओके ओके ओके. हाँ, एक मिनट मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए. और यहाँ पे और एक दिक्कत है, यूजर को, दिस इज वेयर आई सेड फीडबैक या इंफॉर्मेशन और गाइडिंग द यूजर शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ यूजर डेफिनेटली विल गेट कंफ्यूज्ड, कितने वर्ड्स को फाइंड करना है उसको. तो हमने कितने करेक्ट वर्ड्स लिखे हैं इधर, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, सो हिंट देना है यूजर को, यू हैव टू फाइंड 5 words. 5 words है, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया है. मैं चेक करूंगी, ये करेक्ट है. ठीक है, तो अभी बोलिए किसको नहीं आया, तो नेक्स्ट हम बोलेंगे इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं. मैम, व्हेन आई एम ट्राइंग अलोंग विद यू, आई हैव द एंटायर स्क्रीन, एवरीथिंग इज डूइंग ओके, बट व्हेन आई क्लिक ऑन टास्क डिस्क्रिप्शन आई एम नॉट एबल टू टाइप एनीथिंग ओवर देयर. Where? Ma'am, at the task description, I'm not able to type anything in this box. You will be able to, ma'am.
That is maybe your machine is slow. Okay, otherwise there's no technical error. Yeah. Yes, Rupali, ma'am. Yes, tell me, ma'am. इसमें मैं फाइव वर्ड्स दिए जो करेक्ट थे विद एस्ट्रिक बट व्यू में उसके वो फर्स्ट वर्ड तो ठीक है उसके बाद वाले विद एस्ट्रिक दिख रहे हैं और फर्स्ट टिक करते ही वो पूरा कंप्लीट स्कोर हो गया मतलब बाकी वर्ड्स उसमें मतलब आपने खाली खाली एक एस्ट्रिक दिया है सेंटेंस के सामने और बाकी उसको फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू आप ये देख रहे हैं yes. तो जो करेक्ट वर्ड्स है उसको हमने एस्ट्रिक्स के बीच में लगाया देखा या दिस इज द मिस्टेक दैट यू समवेयर यू मिस्ड दैट ओनली वन एस्ट्रिक यहाँ दिया है आपने एंड में एक दिया होगा एंड आई विल टेल यू द यूज केसेस आल्सो या हाउ टू गिव द रेस्पॉन्स एंड हाउ टू से यस Excuse me, ma'am. Can you please repeat how to put the words in text field? Yes, yes, ma'am. यहाँ पे instruction show instructions में आपको instructions भी होंगे. तो correct words को हमको asterisks के बीच में लगाना है. मैंने question पूछा है इधर cricket के बारे में जो words है वो आप select कीजिए. तो मैंने दिया है कुछ words. Okay? वो वर्ड्स को हमने एक लाइन में लगाया आप दूसरे लाइन में भी लगा सकते हैं लेकिन जो करेक्ट वर्ड है उसको हमने यहाँ एस्ट्रिक एक लगाया एंड में एक लगाया ओके और नीचे आइए ओवरऑल फीडबैक में आप एक स्पेसिफिक रेंज में आप फीडबैक दे सकते हैं और यहाँ आइए अगर आपको रिट्राई एनेबल होना है शो सॉल्यूशन एनेबल होना है तो आप दे दीजिए और फिर आप व्यू कीजिए यहाँ पे अगर रैंडमली मैंने सेलेक्ट किया तो सब कुछ गलत है तो इसलिए मुझे शो सॉल्यूशन भी आ गया रिट्राई भी आ गया अगर मैंने ये शो सॉल्यूशन को इधर से हटाया तो मैंने किया तो ये खाली रिट्राई आएगा क्योंकि मैंने गुड ट्राई इसलिए दिया है कुछ भी हो 0 to 90% गुड ट्राई देना है ये मार्क क्यों नहीं दे रहा ये मार्क नहीं दे रहा 0/5 आ रहा ना जबकि एक सही है आपका जी आपका एक सही है ना आंसर यहाँ पे विकेट वाला हाँ यहाँ तो, पे प्लस वन आ गया ना तो नीचे 0/5 हाँ, जीरो हो गया है क्योंकि मैंने पूरा टास्क को एक दिया है और यू हैव टू फाइंड 5 words जी एक्चुअली ये प्लस माइनस वन है गलत भी मार्क किया है हाँ ये माइनस भी है एक ये भी देख लीजिए आप ये से H5P में मार्किंग कैसा रहता है एक प्लस होता है एक माइनस और पूरा टास्क के लिए भी एक रहता है तो यहाँ पर एक प्लस आ गया, अगर एक से माइनस आ गया। एक से ज्यादा सवाल रहे तो एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछने हो तो हाँ हम बोलेंगे वो सब भी बोलेंगे मैं इसीलिए ये बोल रही हूँ कि ये छोटा वाला ट्राई किया आप लोगों के साथ क्योंकि जो हम स्मॉल जहां शुरू करते हैं फिर थोड़े थोड़े ऊपर जाएंगे पहले आप पहली वाला आप सीख लीजिए जो यहाँ पे मेटा डेटा कैसा ऐड करना है टाइटल कैसा करना है और ये फीडबैक के बारे में कैसे देते हैं ये बिहेवियरल सेटिंग्स कैसे होते हैं एक एक कंटेंट टाइप का हर अलग अलग तरीके का बिहेवियरल सेटिंग्स होते हैं पहले हम ये सब सीखेंगे और जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस या कैसे दे सकते हैं I think we should take a break for 10 minutes because next session is for hands-on and for queries only. Yeah. Yeah. Okay, ma'am. Okay. Let me showcase them some examples and I'll take a break. Okay. Then we will continue hands-on. Okay. Okay. So this is a markup. Thank you, ma'am, for that heads up. And let me show you some examples. This is the catalog you can see and you can register here but then remember yahan pe jo bhi hai content hai with a creative commons license only
एंड इफ यू आर अ मैथ टीचर इफ यू वांट टू टाइप मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे एक हेल्प फाइल है वो भी आप देख सकते हैं आप क्लिक ये इसको क्लिक करने से आपको ये कंटेंट टाइप्स आ जाएंगे आपके ओके एंड अगर आपको कुछ टेम्पलेट्स चाहिए आप कुछ बना रहे हैं अगर आपको टेम्पलेट्स चाहिए और एग्जाम्पल्स का आइडियाज होना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं या डाउनलोड भी करके यूज भी कर सकते हैं मुझे सब सारे लिंक्स यहाँ देना चाहिए पहले Ma'am, with your due permission, can we break for 10 minutes and then we can come back and continue? Yes, yes, ma'am. I said I'll just show the templates and we'll take a break, I said. Sure, sure, sir. Yeah. I was in some other meeting, just came back, no so problem. Thought I just intervened. No problem. Thank you. So that people who are a little bit advanced, they can explore. That's what my plan is. Oh. Yeah. Right, ma'am. So, yeah. So these are various templates. You can observe this. एंड यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल्स में तेलुगु का भी एग्जाम्पल्स है आप देख सकते हैं तेलुगु ग्रामर का है और कुछ एडुटेनमेंट भी है अगर आपको डाउनलोड करके दूसरा लैंग्वेज में आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं ये जो एग्जाम्पल है खाली ग्रामर के बारे में दिया हुआ है और ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे बहुत सारे तेलुगु के मैम ये टेम्पलेट्स कहाँ से निकाले आपने मैंने आपको लिंक यहाँ पे दिया है चैट में दिया है ओके मैम एंड आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन आल्सो डोंट वरी एंड हाउ टू डाउनलोड दीज हाउ टू डाउनलोड एनी ऑफ h5p.org से या कहीं से आप यहाँ रीयूज बटन जो रहता है उसको आप क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर सकते हैं आप किसी ने पूछा है h5p.org में मेरा कंटेंट है बट लेकिन मैं कैसे डाउनलोड कर सकती हूँ तो मैं बोल रही हूँ अगर आप कोई LMS में या कोई WordPress में अगर आप क्रिएट करें फॉर एग्जांपल दीज आर माय कंटेंट टाइप्स सो अगर मैं क्रिएट कर रही हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रही हूँ तो उसको एडिट करते समय यहाँ पर H5P ऑप्शंस में आपको अलाउड डाउनलोड देना चाहिए अगर अलाउड डाउनलोड आपने दे दिया तो आप इसको यहाँ से रीयूज क्लिक करके डाउनलोड एज H5P फाइल कर सकते हैं ओके सो दीज आर माय एग्जांपल्स यू कैन सी एंड विद दिस वील टेक अ ब्रेक and then we will see and excuse me ma'am ye role mein author's role mein kya dalna hai originator ya editor ha to yahan aap jo pooch rahe hain yahan pe author's role ha author name mein aapka role hai agar aap author hai ya maine bola author kaun hai jab aap create kar rahe ho to aap author honge agar koi kisi ka content aap use kar rahe hain तो वो ऑथर है तो उसका नाम भी होना चाहिए या लाइसेंसी करके उसका नाम आप ऐड कर सकते हैं अगर आप दो लोग सेव ऑथर कर रहे हैं तो इट्स नॉट एक्सेप्टिंग इट विल एक्सेप्ट मैम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दूसरा नाम लिखा है एक्सेप्ट या मैंने डिलीट करना चाहती हूँ तो इसको डिलीट करके यहाँ पे लाइसेंसी डाल कैसे करना होगा ओके Thanks, ma'am. Thanks. Yeah, yeah. So we will take a break now, and we will see how to send this to users, and then how to get the results sir, and how to analyze. I am just requesting everybody. I will explain. Sir, Ravi sir, just give me a minute. We will take the question. Don't worry. We have the next session for this only. So once we take, just ma'am also take a break since she is speaking from so long. Only 10-15 minutes break and at you can join back at 3:55 so that we can start the session and you can ask all your questions. Yes, ma'am. Thank you. Just 10 minutes, wait for 10 minutes, come up with all your questions, do the hands-on also if you want during the break and we can take all the questions one by one. Yes. Thank you, ma'am.